नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका हमारे चैनल रेखा प्रहलाद पहाड़ी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के सुंदर से शहर देहरादून शहर से। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:10 हैं और अभी वीडियो बना रही हूँ इससे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मिनी वीडियो है, तो वो है हम मेरे गार्डन से रिलेटिव है। और गार्डन में मूली निकालने गई थी मैं सुबह सुबह और काफ़ी सारी मूलियाँ निकली है, तो आप बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं मूली की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, जो मैंने बास्केट में लगाए थे और ज़मीन में सारे निकाल रही हूँ क्योंकि पक्के हो गए हैं। पर ये जो बास्केट में इसकी तो साइज़ बड़ा नहीं हुआ, पर लेकिन ये ज़्यादा पक्के हो जाएंगे, फिर ये खाने के काम भी नहीं आएंगे। तो आज मैं इन मूलियों का हार्वेस्टिंग करूंगी। तो जो मैंने इधर ज़मीन में लगा रखी थी वो मूलियाँ काफ़ी बड़ी हो रखी, इससे पहले भी मैं 3-4 मूलियाँ निकाल चुकी हूँ और ये हैं वो बड़ी हैं। और जो ये बास्केट में लगा रखी थी तो उनका साइज़ इतना ही है, क्योंकि बास्केट में थोड़ा घना हो चुका था। तो अभी 2-4 प्लांट तो रखे हुए मैंने मूली के और इतने सारे निकाल दिए हैं। ये देख सकते हैं ज़मीन की मूली का साइज, ये टूट गया। तो दोस्तों, मेरे गार्डन से इतनी मूली निकली है और कुछ मूलियाँ अभी छोटी है तो वो नहीं निकाली मैंने, तो अभी इतने ही, इससे ही ज़्यादा और होंगे तो वो बाद में निकालेंगे, 10 दिन के बाद हो जाएगा निकालने के लिए। तो हम इस तरह से अपने गार्डन में मूलियाँ लगा सकते हैं छोटी सी जगह में भी। और यहाँ पे मूलियाँ धो चुकी हूँ मैं, क्योंकि उनमें मिट्टी लगी हुई थी, अभी 2 दिन पहले ही बारिश आई तो काफ़ी सारा गीला हो रखा है गार्डन में और मूलियों पे काफ़ी मिट्टी आ गई थी, तो ये धो के रख दिया है, बड़ा बड़ा धो दिया है। तो ये नीरू दीदी के लिए रख दिया है और ये हमारे लिए है यहाँ पे, और ये पारुल के लिए रख दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।